नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम इस वक्त भोपाल में हैं और ये एक बस स्टैंड है जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने स्थित है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पुनर्निर्मित करने की योजना है और एक आलीशान रेलवे स्टेशन बन रहा है। ठीक जस्ट इस रेलवे स्टेशन के दूसरे तरफ बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड में कुछ गरीब मजदूर हैं हमारे साथ। हर शहर में रैन बसेरे बनाए गए हैं, हर शहर में अंत्योदय रसोई घर बनाए गए हैं, लेकिन उन अंत्योदय रसोई घर और उन रैन बसेरों की जो सुविधाएं हैं या फिर कहें जो व्यवस्था है, ये इतनी अच्छी नहीं होती है कि एक आम इंसान, एक गरीब, एक मजदूर वहाँ पर जा कर के रह सके। कौन सी समस्याएं हैं इन जगहों पर और हजारों की तादाद में हर शहर में ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी बस किसी दूसरे शहर से मजदूरी करने के लिए आते हैं और फिर उसी शहर के हो जाते हैं, लेकिन उनके रहने का ठिकाना वो ढूंढ नहीं पाते। सरकार क्या कर सकती है और किस तरीके से इन लोगों को रहने का अपना घर मिल सकता है या किस तरीके से इनको किराए का घर मिल सकता है, एक ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पर ये सुरक्षित महसूस करते हुए रह सकें, ताकि इनको फुटपाथ पे रहना ना पड़े, क्या हो सकता है इस बारे में हम बातचीत करेंगे। दादा, आपका नाम क्या? परदेसी। परदेसी, आप परदेश में हैं और आपका नाम भी परदेसी पड़ गया। ये बचपन से नाम पड़ा था कि बाद में रख लिया आपने? बचपन से। बचपन से कहाँ से हैं वैसे आप? हैं कहाँ से हैं, किस जगह से हैं आप, मतलब कहाँ से हैं? भोपाल से हैं कि बाहर जबलपुर वगैरह से हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कलतरा पड़ता है। अच्छा, और आप दादा कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, बिलासपुर, आप छत्तीसगढ़ से। कितने साल पहले यहाँ आए थे? इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी हफ्ते हफ्ते हुआ है। अच्छा, हफ्ते हफ्ते। पहली बार आए हैं कि आते जाते रहते? नहीं, आते जाते रहते हैं। पहली बार कब आए थे भोपाल? पहली बार आए थे 4-5 साल पहले, 94 में आए थे। 1994 में पहली बार आए थे? पहली बार 94 में आए थे, उस टाइम व्यवस्था नहीं था। तब तो भोपाल आए हुए आप लोगों को 21-27-28 साल हो गए हैं। कितना बदला भोपाल? बदलने के लिए तो बहुत बदल गया, लेकिन महंगाई मार रहा है। हाँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए कोई रसोई घर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भोपाल चाहे जितना बदल जाए, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो मजबूरी में शहर मजदूरी के लिए आते हैं, उन लोगों की जिंदगी नहीं बदल पा रही है। नहीं, सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ। सरकार घोषणा तो जरूर करता है कि यहाँ हबीबगंज में जी हबीबगंज में रन बसेरा बनाया जाए। हाँ। लेकिन अभी तक कोई ख्याल ही नहीं हुआ, 2 पंचवर्षीय निकल चुका है। लगभग आप लोग कितने लोग यहाँ, कितने गरीब रहते हैं बस स्टैंड में इस बार? यहाँ पे लगभग आगे पीछे मिला के 150 मजदूर रहते हैं। 150 मजदूर? हाँ, 150 मजदूर रहते हैं यहाँ। और मजदूरी आप लोगों को मिल जाती है सही सलाम? मजदूरी को हफ्ते में 1-2 दिन मिल जाता है, उसी में खर्चा चलाते हैं। घर के लिए भी पैसा भेजना पड़ता होगा? घर के लिए परेशानी होता ही है, अब काम ही नहीं चल रहा है तो पैसा भी नहीं हो पाता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये तो बड़ा आलीशान बनता जा रहा है। हाँ। लेकिन आप लोगों के रहने के लिए एक रैन बसेरा नहीं बन पा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, स्टेशन में जाओगे तो पुलिस वाले भगा देते हैं, सोने नहीं देता। हाँ। ये तो नियम के तहत है। अच्छा। लेकिन गरीब मजदूर फुटपाथ में सो रहा है रोड किनारे, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। सरकार से यही मांग है कि हबीबगंज स्टेशन एरिया में रैन बसेरा व्यवस्था किया जाए। मतलब गरीबों के लिए, हक तो गरीबों का भी है, उनको भी सोने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए चीज़ें चाहिए। हाँ। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, उनको चीज़ें मुहैया करवाई जानी चाहिए। हाँ, लेकिन सरकार इस ओर घोषणा तो जरूर कर देते हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते, सिर्फ कागज में सिमट के रह जाते हैं, बाकी आंखों देखा हाल नहीं निकल पाता है। आपके छत्तीसगढ़ में तो बघेल सरकार है, भूपेश बघेल जी की, वहाँ पे कैसा हाल चाल है? वहाँ पे भरपूर पानी व्यवस्था है, हर कुछ सही सलामत है।
तो रमन सिंह के दौरान ये सारी चीजें करवाई गई थी कि भूपेश बघेल के आने के बाद सुधार हुआ है? अभी भूपेश बघेल के आने के बाद ही सुधार हुआ है। हाँ। क्योंकि किसानों को टाइम में खाद मिल रहा है, अच्छा पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रहा है, रेल बेसरा है, यानी किसी चीज का कोई परेशानी नहीं है वहाँ। तो मजदूरी नहीं मिलती वहाँ क्या? नहीं, वहाँ मजदूरी मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिल पाता। अच्छा, पैसे कम है मजदूरी के। यहाँ क्या रेट है मजदूरी? यहाँ मजदूरी का वही 300-350 रुपये रेट है अभी। और वहाँ पर क्या है? वहाँ पे तो 250-300 रुपये। अच्छा, मतलब मजदूरी थोड़ा सा वहाँ पे कम है। आप लोगों के जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो चाय वगैरह आती है, दे दीजिए दादा को भी दे दीजिए। अब तो चलिए चाय भी आ गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय भी चाय वाले हैं। आप लोगों की हाल खबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव के टाइम आएंगे, हाँ। बड़े बड़े वादे करके मुकर हाँ। जाते हैं। चाय पे चर्चाएं बहुत होती हैं लेकिन लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। नहीं, व्यवस्था नहीं हो पाता। सरकार के तरफ से घोषणा तो जरूर किया कि हाँ। हर एक मजदूर के खाते, गरीब खाते में हाँ। 1000 रुपये महीने में आएंगे लॉकडाउन में, लेकिन आज तक 2 लॉकडाउन गुजर चुका, 1 रुपये नहीं आया। हाँ। सब खा गए। आधार कार्ड वगैरह बना है आप लोग का? टोटल आधार कार्ड, परिचय पत्र, सब कुछ है, लेकिन व्यवस्था सुविधा नहीं मिल पा रहा। दादा आप आ जाइए, आप बैठिए ना। सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सुविधाओं का अभाव है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, जमीन पे उनकी कुछ हकीकत और है। वो सिर्फ घोषणा बस करते हैं, आंखों देखा हाल कोई नजर नहीं आता, कागज में ही सिमट के रह जाता है। कागज में ही सिमट के हाँ। रह जाता है, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत भी है किसी भी योजना की, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, या फिर चाहे वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं हो, हर चीज जो योजना है वो जमीन पे आके दम तोड़ देती है। वो तो दम तोड़ दे, सरकार घोषणा कर दी है, गरीब के नाम से फंड जारी हो गए सरकार के तरफ से, दो चार गरीब को बांट दिए, बाकी कहीं भी जाए कोई ध्यान ही नहीं देता। आदमी को राशन, BPL राशन कार्ड भी है, लेकिन उसमें भी बराबर अनाज नहीं मिलता। खाना पीना कहाँ से आप लोग का होता है? खाना पीना तो बस मंदिर में आता है, उसी से गुजर बसर हो जाता। किस मंदिर से आता है? ये गणेश मंदिर है हबीबगंज में, वहाँ से। तो 12 महीने गणेश मंदिर से खाना आता है? हाँ, 12 महीना गणेश मंदिर से खाना मिल जाता है। हाँ। उसी से